चाहिए लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज है। ऐसे में दो चरण की मतदान की प्रक्रिया और मतगणना की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब तीसरे चरण पर सबकी नजर है, जिसको लेकर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार जनता के बीच में जाकर बेहतर विकास का भरोसा दे रहे हैं। ऐसे में लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड के कैंधी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी पद के उम्मीदवार वीना यादव और उनके प्रतिनिधि नागेश्वर प्रसाद यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सरफराज आलम ने। चुनाव के मद्देनजर डीटीवी भारत की टीम अभी पहुंची है लखीसराय जिले का, ये हलसी प्रखंड का कैदी पंचायत है। वहां पर हमारे साथ महिला प्रत्याशी जो सशक्त व प्रबल दावेदार हैं कैदी पंचायत से मुखिया पद की वीना यादव जी। मैडम, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आप चुनावी समर में पूरी तरह से कूद चुकी हैं, कैसा अनुभूति महसूस हो रहा है? मतलब कैसा अनुभूति, अच्छा लग रहा है आपको? सब इतना लोग था, सब इतना जिला कर रहे हैं। मैडम ये बताइए कि आप चुनाव जीतकर मुखिया बनेंगी तो आप कौन ऐसा कार्य करेंगी पूरा जो वर्तमान मुखिया नहीं कर सके? अच्छा, ये बताइए आप प्रतिनिधि हैं वीना यादव जी के, आप ये बताइए कि आप अपना पहले नाम बताइए और ये बताइए कि वीना देवी जी के जीत के प्रति आप कितना प्रतिशत आश्वस्त हैं? मेरा नाम हुआ नागेश्वर प्रसाद यादव और मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि जीत के बारे में कितना आश्वस्त हूँ, कौन मेरे करीब हैं और मेरे साथ जहाँ भी मैं जाता हूँ तो जन सैलाब मेरे पीछे चल रहा है। लोग बिना गाड़ी बिना घोड़ा के सब पदयात्री में चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या जो कैंधी पंचायत है आप मानते हैं कि विकास के मामले में पिछड़ गया, आप जीतने के बाद उसे पूरा करेंगे जनता के सहयोग से? बिल्कुल बिल्कुल, इतना पिछड़ा हुआ कि देख करके आप, आपके बगल में है, इसको बगल में देख लीजिएगा, यहाँ भी इंसान जीते शिवपुर मुशहरी है, आज तक नाली गली कुछ नहीं बना है विकास के नाम पर। सुनिए, क्या जनता का सहयोग आशीर्वाद आपको मिल रहा है? वीना देवी जी मुखिया के पद पर विराजमान होंगी, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? लग तो रहा कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। वीना यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कुल मिलाकर देखा जाए वीना यादव जी और उनके प्रतिनिधि ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मुखिया के पद पर विराजमान होंगे, मुखिया के पद पर चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतकर कैंधी पंचायत का कायाकल्प करेंगे और कैंधी पंचायत में विकास की गति तेज होगी और तेज रफ्तार से कैंधी पंचायत का विकास होगा। सरफराज आलम, डीटीवी भारत, कैंधी, हलसी, लखीसराय। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।